नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप इंस्टाग्राम के डीएक्टिवेट अकाउंट को फिर से एक्टिवेट करा सकते हैं। तो दोस्तों, आजकल ज़्यादातर प्रॉब्लम आ रही है कि लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है बिना किसी कारण से। तो दोस्तों, अगर आपका भी अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है, आपको कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। मान लीजिए कभी भी आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा 100% तरीका किस तरह से आप अपने अकाउंट को फिर से एक्टिवेट करा सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको लाल बटन दिखाई दे रही होगी, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में दिया गया बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आप चलिए जान लेते हैं किस तरह से आपको दिखाई देता है जब आपका जो अकाउंट को डिसेबल कर दिया जाता है। तो जब भी आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाते हैं, यहाँ पर अपना जो यूजर नेम डाल करके पासवर्ड डाल करके लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक मैसेज दिखाई देता है, योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड फॉर वायोलेटिंग अवर टर्म्स, यानी कि आपने इनकी जो पॉलिसी को वायलेंस किया है, ये मैसेज आता है। तो चलिए आप जान लेते हैं किस तरह से आप जो है इसको एक्टिवेट फिर से कर सकते हैं अपने उसी अकाउंट को। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपने जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाला है वो ईमेल एड्रेस आप नोट कर लीजिए, और यूजर नेम जो आपका है वो यूजर नेम नोट करके रख लीजिए कहीं पर भी। चलिए अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ लेते हैं। दोस्तों, इस ये लिंक आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम की, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ये हेल्प इंस्टाग्राम की है, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा इंस्टाग्राम खाता निष्क्रिय था। अगर आपको लगता है कि आपके खाते को गलती से निष्क्रिय कर दिया गया था, तो कृपया निम्न जानकारी प्रदान करें। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है क्या आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट था वो बिजनेस अकाउंट था। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है, काफ़ी लोग बिजनेस अकाउंट बनाते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। मेरा बिजनेस अकाउंट नहीं था, नॉर्मल था, मैं नहीं पर क्लिक करके। अब दोस्तों, चार बॉक्स को आपसे ध्यान से भरना है, अपना नाम डालना है और इंस्टाग्राम का जो आपका यूजर नेम है वो इसमें भरना है, और ईमेल एड्रेस जो वहाँ पर डाला हुआ था वो यहाँ पर डाल दीजिए। एक देश का नाम दर्ज करें, यहाँ पर कंट्री का नाम दर्ज करने के बाद यहाँ पर भेजिए पर आपको क्लिक कर देना है। तो पूरी डिटेल डाल करके मैं भेज देता हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप भेज देंगे, उसके कुछ समय के बाद यहाँ पर 24 से 48 घंटे भी लग सकते हैं, जल्दी भी मैसेज आ सकता है। उसी ईमेल एड्रेस पर आपको ये मैसेज देखने को मिलेगा, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस बिफोर वी कैन यू हेल्प। तो ये दिया गया है, यहाँ पर आपको एक 5 डिजिट का कोड दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 डिजिट का यहाँ पर कोड ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ पे इसको हाइड करके रखा है। और योर फुल नेम एंड यूजर नेम फॉलोइंग, अब आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको ये जो यहाँ पे 5 डिजिट दिए गए हैं वो किसी सादे कागज़ पर लिखना है, और सादे कागज़ पर लिखने के बाद अपना नाम, जो आपका नाम है, जैसे कि मेरा दीपक यादव है तो मैं दीपक यादव लिख दूंगा, और उसके बाद यूजर नेम लिखना है एक सादे कागज़ पर, और एक अपनी फ़ोटो जो आपने इंस्टाग्राम पर लगाई हुई है वो फ़ोटो की, वो फ़ोटो वहाँ पर रख करके आपको एक फ़ोटो खींचना। चलिए मैं ये सब दिखा देता हूँ किस तरह से आपको करना है। अब दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपना नाम लिखा है, उसके बाद यूजर लिखा है, यूजर नेम जो था उसका जो कोड वहाँ पर दिया गया है वो लिखा था, यहाँ पर एक फ़ोटो यहाँ पर जो है रख दी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फ़ोटो जो आपकी इंस्टाग्राम पर लगी थी उससे मिलती जुलती ही फ़ोटो होना चाहिए, ज़्यादा फ़ोटो में चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसा ना करिए, काफ़ी ज़्यादा पुरानी फ़ोटो मत लगाइएगा, ठीक है। तो जो फ़ोटो आपकी उसे आसपास की फ़ोटो मैच खाती हो, उस तरह की फ़ोटो यहाँ पर रखे खींच लीजिए, और उसके बाद आपको ये जो है सेंड कर देना है। और दोस्तों, ध्यान देने वाली बात तो वो है कि आप जो फ़ोटो खींचें वो JPEG फाइल होना चाहिए। JPEG फाइल किस तरह से होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कैसे आप देख सकते हैं JPEG फॉर्मेट में है कि नहीं, तो आप ये फ़ोटो देख सकते हैं। तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, मोर पर क्लिक करेंगे और रीनेम पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो ये अभी JPEG फॉर्मेट में है, तो JPEG में आपको करना है। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। पूछ रहा है एक्सटेंशन यू मे नॉट बी एबल टू, ओके कर दीजिए। और अब आप देख लीजिए ये JPEG फॉर्मेट में हो चुकी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ मोर पर क्लिक करके रीनेम, तो यहाँ पे आप देख लीजिए JPEG में हो गई है। अब आप इसे जो है सेंड कर दीजिए मेल के माध्यम से। इसके लिए दोस्तों, आपको जो मेल आया हुआ है उसी मेल के रिप्लाई में ये अटैच कर देना है, ये फ़ोटो और जो आपने अभी फ़ोटो नाम यूजर नेम वगैरह जो लिया है वो अटैच करके सेंड कर दीजिए। सेंड करने के कुछ टाइम के बाद आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब दोस्तों, जैसे देख सकते हैं हमारा रिप्लाई यहाँ पर दिया गया है,
योर अकाउंट हैज बीन रीएक्टिवेट एंड यू शुड बी एबल टू एक्सेस। ठीक है, तो अब आप जो है अपने अकाउंट को फिर से उसी यूजर नेम से उसी ईमेल से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अपने अकाउंट को फिर से एक्टिवेट करा सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका है।